बेसिकली घिया, घिया में से मतलब अंदर का सब कुछ निकाल के सुखा के और ऐसे बना दिया, बड़ा मजबूत सा लग रहा है। ये भी लकड़ी है, लकड़ी है। बनाया कैसे होगा लकड़ी से? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने पिछली व्लॉग में देखा कि मैं अपने गांव आया हुआ दोबारा से। गांव आने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा पुराना घर है हम इसको तोड़ के नया बना रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जो पहले इस पे ये पत्थर लगे हुए थे ये सारे उतार दिए हैं, मतलब इस टाइप के पत्थर थे, इस टाइप के पत्थर थे, ये सारी पठाली हटा दी। अंदर जो है मट्टी और मतलब मट्टी वट्टी डाल रखी थी, देखो जैसे ये मट्टी है और ये इसके ऊपर ये पत्थर है, तो ये हटेंगे धीरे धीरे सारे। देखो आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसके जो दरवाजे वरवाजे थे सब निकाल के यहाँ पर रख दिए, ये दरवाजे निकाल दिए सारे, बाकी ये सामान वामान जो अंदर से निकला वो सारा यहाँ पर है। क्या ये लकड़ी का है? लकड़ी का वर्तमान टाइप का लग रहा है। हाँ ये भी ले चल लगा। और ये क्या है? इसको हाँ ले चल चुपके से, इसको पेंट वेंट करके। ये क्या लकड़ी का? ये भी हाँ, ये बीज वगैरह रखते हैं जिसमें लकड़ों का सूखा लौंग लौंग के अच्छा सीताफल का सुखा के बीज रखने के लिए करते हैं। तो ये कैसे बना रखा, ऐसे कैसे बनाया? इसको सुखाते हैं पेड़ पे, लौंग के वो ना लौंग की हां पास से बीज सूख गया तो गाना सो फिर तो कौन सो करेगा बीज वगैरह। अच्छा इसको ये भी ऐसे बैठे बेसिकली घी का नहीं होती है जैसे मर्तबान टाइप का। हाँ हाँ कुठार बेसिकली घिया, घिया में से मतलब अंदर का सब कुछ निकाल के सुखा के और ऐसे बना दिया, बड़ा मजबूत सा लग रहा है। अच्छा होता है, इसमें बीज रखते हैं ना लोग इसको। तो ये लकड़ी का? हाँ ये लकड़ी का। ये फोटो पता नहीं किसके कौन है। अच्छा पता नहीं जीवन है इसके, पता नहीं ताऊजी वगैरह। ये ताऊजी लग रहे हैं, ये बड़े वाले, ये छोटे वाले, देहरादून वाले। पता नहीं कौन कौन है इसमें। क्या है इसमें? इसमें देख इसमें खाली है तो ना खाली कुछ नहीं खाली। इस पे तो चावल वगैरह चोंग धोरी दो इस सकत ना थे पर सब बढ़िया है जन फिलहाल। अब वो तो बैठने का था, इसमें तो हम लोग बैठते थे अंदर रसोई में रखा। क्या ये लकड़ी का है? अच्छा ये बैठने का बहुत दिन हो। ये भी लकड़ी का है? नीचे का कैसे है सोते को मिलो? अच्छा ये बना कैसे रखा है? ये भी लकड़ी है? लकड़ी है। बनाया कैसे होगा लकड़ी से? वही तो फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। ऐसे तो उसका होता है ना लोहे का जो हम लोग हाँ। ले जो चोर ये लकड़ी को पड़ी लकड़ी का ही तो है नहीं लकड़ी है अभी हाँ प्लास्टिक प्लास्टिक की लकड़ी है का टाइप के लग रहा है। चल कोई नहीं कुछ नहीं लोहा लोहा का है वो लोहा प्लास्टिक से प्लास्टिक टाइप का है कुछ प्लास्टिक से लकड़ी लग रही है ना हाँ बड़ी बढ़िया प्लास्टिक भी नहीं है ये वो है जो बकरी की खाल वगैरह खाल वाले टाइप का लग रहा है हाँ हाँ ये खाल है क्योंकि प्लास्टिक नहीं है पता नहीं बोली खाली वाल से तो ज्यादा जोर तो सुन लीजिए ये भी खाली है ये सब खाली है लकड़ी का कितना मजबूत सा लग रहा है पल्ले पुल्ले बना देंगे नहीं तो बैठने के लिए सीटी का काम आएंगे। अभी एक अंदर भी है अभी एक ये भी गाय पे उतर रही है गाय के गले में पत्थर गिरा रहे हैं ये लोग यहाँ पे। Yeah,
इस तरीके से काम कर रहे हैं अभी, जो दिल्ली NCR या बाकी सिटीज़ वगैरह में जो काम होता है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के घर बनते हैं यहाँ पे। मतलब ये तो खैर पुराना था, अब नया जो बनेगा उस टाइप का ही बनेगा, सीमेंट वीमेंट वाले। सो फिलहाल मैं वापस आ गया हूँ घर और देख लो, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और अभी तो मुझे लग रहा है रेगुलर बेसिस पे हमें गांव आना पड़ेगा। अभी फिलहाल मम्मी पापा मेरे साथ जाएंगे वापस, लेकिन वापस दोबारा से आएंगे नेक्स्ट वीक या 10 दिन बाद दोबारा से आएंगे। मैं छोड़ने आऊँगा नहीं आऊँगा उसका पता नहीं अभी, लेकिन ये लोग तो आएंगे। और पीछे देखो सुंदर है ना व्यू, मस्त है। फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ और फ़ोन लगा रहा हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि मुझे बहुत, मेरे फ़ोन में सिर्फ 6% बैटरी है और मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, बहुत सारा शूट करना है मुझे, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाना है, तो उसको आधा एक घंटा चार्ज होने देता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ।